सौरभ यादव अध्यक्ष और संतोष यादव बने सचिव। मैनपुरी बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे देर शाम घोषित हो गए, जिसमें अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे सौरभ यादव ने जीत हासिल की, तो वहीं संतोष यादव ने सचिव के पद पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजे घोषित होते ही सौरभ यादव और संतोष यादव के समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। जीत के बाद देर शाम तक मिष्ठान वितरण और ढोल नगाड़ों के साथ जीत के जश्न का सिलसिला जारी रहा। जीत के बाद दोनों नव निर्वाचित अध्यक्ष सौरभ यादव और सचिव संतोष यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। सर, मैनपुरी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के पद पर एक बार फिर पुनः आपकी ताजपोशी हुई है, सर क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? देखिए, जितना भी कल्याणकारी योजनाएं अधिवक्ताओं की संचालित की जा सकती हैं, वह हम लोगों ने दृढ़ निश्चय किया है। इसमें प्रथम रूप से जो युवा अधिवक्ता न्यूली कमर्स आते हैं, एक वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है जो आते ही शुरू नहीं हो जाता, उसमें जब अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने ये निश्चित रूप से सोचा है कि जो न्यूली कमर एडवोकेट्स हैं उनको जो पिछला वर्ष है, पिछले 3 वर्षों के जो एडवोकेट्स हैं 19, 20 और 21, उनको हम प्रतिमा मानदेय की व्यवस्था करेंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट्स से उनके लिए एक सामूहिक बीमा, जो मेडिक्लेम पॉलिसी के रूप में किसी भी बीमारी के रूप में उनका काम करेगी, और कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं। साथ ही आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि दीवानी मैनपुरी में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सर, आपको मैनपुरी बार एसोसिएशन का सचिव चुना गया है, जी जी, क्या कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? सर, ये जो जीत हुई है ये मेरी जीत नहीं है, ये हमारे सभी अधिवक्ता बंधुओं की मैनपुरी बार एसोसिएशन की जीत है, जिन्होंने इस पद लायक मुझे समझा। ये ऐसी कुर्सी है कि इसमें जीत के आना तो आसान है, लेकिन इसे चलाना बहुत आसान नहीं है। मैं पहले भी सचिव रह चुका हूँ, पहले ही मैंने बहुत अच्छा कार्य किया था, और मैं विश्वास, आशाई पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि मैं इस बार भी सभी जो अधिवक्ता बंधुओं ने मुझे वोट देकर मुझ पर एक भरोसा किया इस कुर्सी पर बैठाने के लिए, मैं पूर्ण रूप से ये कर्तव्य निभाऊंगा और प्रयास करूँगा सभी अधिवक्ताओं के हित में काम करने का, उनके सुख दुख में शरीक होने का। और कई ऐसे कार्य हैं मैनपुरी बार एसोसिएशन में जो नहीं होने चाहिए, उन्हें भी सुधारने का प्रयास करूंगा। अधिवक्ताओं के